बहुत सारे लोगों को इस बात का इंतजार है कि अब 31 तारीख आ रही है, अब लॉकडाउन का पीरियड खत्म होने वाला है, आगे क्या होगा। तो एक अच्छी खबर ये है कि बहुत सारे दुकानदार मुझे फोन करते हैं और ये कहते हैं कि साहब हमारा कारोबार कब शुरू होगा, कब हमारी दुकानें शुरू होगी। तो उनके लिए अभी अभी एक नया सर्कुलर जो आज ही के दिन निकला है, उस सर्कुलर के हिसाब से अब ये है कि 29 तारीख के दिन से ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। अब औरंगाबाद जिले के अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन हम कौन सी तारीख से करते हैं, ये यहाँ के जितने भी अधिकारी है ये अधिकारी के साथ बैठ के उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा ये तय करना बाकी है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो नया सर्कुलर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने निकाला है उसके तहत अब हर तरह की दुकानों को सुबह 9 बजे से लेके शाम में 5 बजे तक के लिए खोला जा सकता है। यानी कि 9 से 5 हर तरह की दुकान जो है अपना कारोबार आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस डाली गई है। यानी कि आप ये समझ लीजिएगा कि जो राइट साइड की जो दुकानें हैं, अगर एक तरफ जितनी भी दुकानें हैं, अगर राइट साइड की अगर दुकानें जितनी भी है, तो एक दिन सिर्फ राइट साइड की दुकानें खुलेगी और दूसरे दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खुलेगी। जिस दिन राइट साइड की दुकानें खुलेगी तो यानी कि लेफ्ट साइड पूरी तरह से खाली रहेगा, वहां पर आपकी गाड़ियां पार्किंग की जा सकती है और जो सड़क का बीच का जो रास्ता रहेगा वो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस रखा है, दुकानदारों से ये कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए दुकानों के सामने मार्किंग कर ली जाए कि ग्राहक कितनी दूर के डिस्टेंस के ऊपर खड़े रहना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ ये एक अच्छा कदम है और सभी लोगों को इंतजार था, क्योंकि बहुत सारे लोग अब इस बात से परेशान थे कि हमारा कारोबार अब जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। तो इस नजरिए से ये सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करता हूं मैं कि लेकिन औरंगाबाद के अंदर चूंकि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये कहा है कि 29 तारीख के दिन से ये लागू किया जा सकता है, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर किस तरह से नजरिया रखते हुए ये 29 तारीख से इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा या 31 तारीख से किया जाएगा, ये यहाँ के जितने भी जिले के जिम्मेदार अधिकारी है, पदाधिकारी है, उन लोगों के साथ बैठकर इसके बारे में फैसला लिया जाएगा।